क्या आप जानते हैं प्राचीन काल की महिलाओं को लेकर ये रहस्यमय बातें? आप अक्सर कई तरह की धर्म ग्रंथ और कहानियों को सुनते आए होंगे और आप सोचते भी होंगे कि शायद पहले कभी ऐसा हुआ भी करता था। ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातें शादी के बाद औरतों को लेकर भी रही है। शादी के बाद हर लड़की महिलाओं की श्रेणी में गिनी जाती है, जो प्राचीन काल की बेहतरीन परंपरा रही है। पर शायद आपको पता ना हो कि प्राचीन काल में कई महिलाएं ऐसी भी रहे जिन्हें आज भी कुंवारी कन्या माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं कुंवारी महिलाओं के बारे में, जो शादी के बाद भी कुंवारी ही समझी जाती हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य मैक्स। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी रोचक जानकारी। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही प्राचीन बातें जो कि जुड़ी हुई हैं महिलाओं के साथ। अहिल्या के बारे में तो हम सभी ने किताबों और कहानियों में सुना है, पर पद्म पुराण के अनुसार ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या को कुंवारी समझा जाता है। एक बार देवराज इंद्र की नज़र देवी अहिल्या पर पड़ी और वो उन पर मोहित हो गए। जब गौतम ऋषि स्नान और पूजन करने के लिए घर से गए तो इंद्र उनका रूप लेकर वहाँ पहुँच गए और मौके का फायदा उठाकर अहिल्या से संबंध बनाए। लेकिन ऋषि ने इन्हें गलत समझकर श्राप दे दिया। पति के प्रति पूरी निष्ठावान होने पर भी उन्होंने श्राप को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण उन्हें कौमार्या माना गया है, जिससे उन्हें कुंवारी महिला समझा जाता है। रावण की पत्नी कहलाने वाली मंदोदरी की बुद्धिमानता और सुंदरता देखकर रावण ने उनसे विवाह किया था। रावण की मौत के बाद श्रीराम के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी को आश्रय दिया। मंदोदरी के गुण के कारण उन्हें महान माना गया है और उनकी पवित्रता कन्याओं की तरह मानी गई है। पांच पतियों की पत्नी कहलाने वाली द्रौपदी भी कुंवारी महिला कहलाती है। द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कुंवारी कन्याओं की श्रेणी में रखा जाता है। जीवन भर द्रौपदी ने पांचों पांडवों का हर परिस्थिति में साथ दिया और कभी किसी एक पति के साथ रहने की जिद नहीं की। अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से निभाने वाली द्रौपदी का स्मरण धर्म ग्रंथों में महापाप को नाश करने वाली का माना गया है। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन काल की महिलाएं जिनके बारे में जानी जाती है रहस्यमय बातें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए रहस्य मैक्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।